हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मॉर्गनस थ्योरम, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्लीज पहले ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिए, ताकि ये टॉपिक आपको हलवा बन जाए और मजा आ जाए करने में। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं डी मॉर्गनस थ्योरम होता क्या है। एक्चुअली डी मॉर्गनस थ्योरम ने कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटा कर दिया और एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला हमारे को दिया कि अगर z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो z टू द पावर n हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n, ये लिखेंगे हम लोग। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे, z टू द पावर n। अब ये जो है वो n वो कोई इंटीजर है, n belongs to z और मतलब z तो इंटीजर होता है, तो n किसी इंटीजर के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, तो ये n पूरे एंगल में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा cos n theta plus i sin n theta, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ z टू द पावर n। ये फॉर्मूला cos theta, अगर हमारे पास cos theta minus i sin theta है तो इसके लिए भी वैलिड है, क्योंकि ये भी इसी फॉर्म को बिलोंग करता है। मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके अगर मुझे जेड एन निकालनी होगी इसके लिए, एन और एन ये क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा, दिस वन। ठीक है, तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है अगर हमारे पास साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है तो इसके लिए डी मॉर्गनस हम नहीं लगा सकते, हमारे को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा या इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं, सपोज मेरे पास है जेड इज इक्वल टू कॉस इलेवन पाई बाई एट, पाई बाई एट मान लो आप, कॉस पाई बाई एट प्लस आई साइन पाई बाई एट, यहां पर n में अगर लगा दूं 8, हमें बोला जाएगा फाइंड z टू द पावर 8। तो इतना बड़ा पावर का चीज कौन मल्टीप्लाई करने जाए, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग स्ट्रेट अवे, तो जो यहां n है वो यहां n हो जाता है। तो cos 8 टाइम्स ऑफ पाई बाई एट प्लस आई साइन 8 टाइम्स ऑफ पाई बाई एट, 8 8 गया, cos पाई प्लस आई साइन पाई, हमारे को मालूम है कि साइन पाई तो जीरो होता है तो z टू द पावर 8, और cos पाई माइनस 1 होता है, प्लीज मेक अ नोट। हाय बच्चों, यहां दो एग्जांपल है आपके लिए डी मॉर्गनस थ्योरम से रिलेटेड है, तो देखते हैं बच्चों डी मॉर्गनस थ्योरम को और अंदर समझते हैं, इस तरह की चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे और जब यहाँ ऊपर नीचे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारी वैरायटीज लेने वाले हैं, बने रहो, देखते रहो, लाइक कमेंट करते रहो। ठीक है, देखते हैं, पहले इसको निपटा डालते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस आई cos थीटा होल पे पावर 4 है ये। ठीक है, देखो न्यूमरेटर में तो चिंता करने की बात ही नहीं है, हमारे पास है ऑलरेडी, चिंता करने की बात तो इधर है, तो यहां क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, 4 स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर 4, एंड इसे भी मुझे इस फॉर्म में लाना है तो मैं लिख सकता हूं माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा साइन थीटा प्लस आई कॉस ऑफ थीटा, दिस वन। अब यहां से मैं आई कॉमन ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आई टू द पावर 4 या कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पे पावर 4, दिस वन। अब हमें मालूम है कि यहां भी आपके केबल है वो चीज, तो लिख सकते हैं ना cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा पे पावर 4, और आई पे पावर 4 तो 1 होता है, सबको मालूम है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, दिस वन। अब क्या करें हम लोग, यहां पे माइनस 1 है, यहां माइनस 1 है, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि जब पावर अंदर आ सकता है तो अंदर से ऊपर भी जा सकता है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 4, और मैं इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर माइनस 4, ठीक है। अब ये माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये पूरा टर्म हट गया। तो कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा हो गया, दिस वन, ठीक है बच्चों, हैव ए नोट दिस वन। इसकी बात करते हैं, यहां पर हमारे पास कॉस थीटा तो है ही नहीं, करें क्या, तो कॉस थीटा नहीं है तो हमारे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वहां पे कॉस एंड साइन। रूट 3/2 को क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3, माइनस आई साइन पाई बाय 3, दिस वन। तो ये तो एप्लीकेबल है, फटाफट डाल देते हैं नंबर्स। 5 नंबर इधर आ जाएगा, तो कॉस 5 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 3 प्लस कॉस 5 पाई बाय 3 माइनस आई साइन 5 पाई बाय 3, है ना। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा में एप्लीकेबल है, ये दोनों तो कट गए। 2 टाइम्स कॉस 5 पाई बाय 3 हो गया ना, और 5 पाई बाय 3 निकाल लेते, सबको आता है, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन निकाल लेंगे। तो बच्चों हमें इस तरह की चीजों को देख के घबराना नहीं है, अभी हम और भी कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन डी मार्वर्स से कितना इजी हो जाता है ये हमें देखना है। हैव ए लुक, नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, मैं कुछ कॉम्प्लेक्स चीजों को आपके लिए सिंपल बना के लाया हूं, ताकि आपका जो स्टडी का जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाए, ज्यादा आपको फालतू चीजों के पीछे टाइम वेस्ट ना हो और आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगे, ठीक है बच्चों। बहुत बार हमारे को कॉम्प्लेक्स चीजें मिलती हैं, जैसे कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, इसके बाद भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में है कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 एंड सो ऑन। तो इन पूरे चीज का जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो यहाँ आता है कॉस ऑफ एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 चलता रहेगा, ठीक है। दिस इज द एंटायर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, मतलब ये मल्टीप्लाइड फॉर्म है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है ताकि चीजें आपके लिए सिंपल हो जाए। ये बहुत एप्लीकेबल है, ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, और हम मुश्किल चीजों को भी आसान करने वाले हैं यूजिंग दिस। तो हमारे पास क्या है, कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस आई साइन पाई बाय 2 का स्क्वायर इंटू, बढ़ता रहेगा, पावर 2 है, आगे में 3 मिलेगा, आगे में 4 मिलेगा, इनफाइनाइट तक गया। तो मैं ये थ्योरम लगा लूंगा यहां पे, मुझे मिल जाएगा कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 का क्यूब एंड सो ऑन प्लस आई साइन पाई बाय 2 का स्क्वायर एंड दिस वन, ये मिल गया। अब ये एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, अगर आप लोगों ने एपीजीपी पढ़ा है तब तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो एपीजीपी अगर आप समझ लोगे तो और आसान हो जाएगी ये चीजें। तो इस तरह का जो सम होता है इसमें कॉमन रेशियो बोला गया सेम है, कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, तो इसमें जो रेशियो आने वाला है टर्म्स का वो इक्वल है, सेम है, इसको बोलते हैं जीपी कॉस। अब जीपी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो प्लस आई साइन
फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो हम लोगों ने अभी अभी बोला सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कितना होगा, 1/2 होगा, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म कर लो तो भी 1/2 आएगा। तो कॉमन रेशियो आर है हमारे पास 1/2, ए है फर्स्ट टर्म दैट इज पाई बाय 2, यहां लिख लेते हैं कॉस पाई बाय 2 1 माइनस 1/2, पाई बाय 2 1 माइनस 1/2 दिस वन। ये पाई हो गया प्लस आई साइन पाई हो गया, तो कॉस पाई माइनस 1 हो गया और साइन पाई 0 हो गया, तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो सिर्फ माइनस 1 बन के रह गया। तो कितना इजी हो गया ना, अगर आपको जीपी नहीं समझ में आता तो आ जाएगा, अभी बहुत सारी क्लासेस में होने वाली है, सीक्वेंसेस इन सीरीज एक चैप्टर है क्लास 11 में, तो बड़ा आसान चीजें हो जाती है। और भी चीजें करने वाले हैं बच्चों, बने रहो। हेलो बच्चों, डी मायर्स थ्योरम का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे डील करते हैं जो आपके जनरल सॉल्यूशन हो एन पाई बाई 4 है। तो हमारे पास एन इज ऑलरेडी देयर इन द पावर इन द एलएचएस, हमें प्रूफ करना है कि एलएचएस आरएचएस से कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर की बात सोचेंगे कि 1+i में ऐसा क्या करें जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लाना है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहां पे रूट टू और रूट टू से डिवाइड कर देंगे और रूट टू से बाहर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इट मेक्स नो डिफरेंस ऑन दिस इक्वेशन 1+i, और इस पूरे पे हम लोग लगा देंगे n। सिमिलरली यहां भी कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे रूट टू से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या लाना है, जबकि यहां रूट टू आ रहा है और यहां पाई बाई 4 है, कॉस पाई बाई 4 हो या साइन पाई बाई 4 हो, मुझे तो रूट टू मिलने वाला है, मुझे रूट टू तो लाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, प्लस रूट टू 1 - i होल टू द पावर रूट टू, दिस वन ऐसे लिख सकते हैं। 1/√2 यहां भी है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं रूट टू पे पावर एन, ये मैंने कॉमन ले लिया यहां से भी और यहां से भी, तो मेरे को क्या मिलेगा 1/√2 को मैं लिख सकता हूं कॉस पाई बाई 4, यहां भी रूट टू है तो आई साइन पाई बाई 4 होल टू द पावर एन, प्लस यहां भी काम कर सकते हैं हम लोग कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। अब हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, तो रूट टू पे पावर एन है तो ये हो जाएगा कॉस एन पाई बाई 4 प्लस आई साइन एन पाई बाई 4 कॉस एन पाई बाई 4 माइनस आई साइन एन पाई बाई 4 दिस वन। तो ये प्लस माइनस तो गया हमारा, तो हो जाएगा 2 cos n pi by 4, तो यहां 2 यहां रूट 2, हमें लाना है रूट 2 टू द पावर n प्लस 2, तो इसे भी रूट 2 बना दें, इसको रूट 2 करके होल स्क्वायर कर देते हैं। नाउ आई कैन राइट रूट 2 पे पावर n प्लस 2 cos n pi by 4, ठीक है बच्चों, है ना इजी, प्लीज मेक ए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। इस सेकेंड क्वेश्चन में हमारे को प्रूफ करना है कि दिस थिंग इज गिवन, आई है जेड टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट जेड इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8। आप लोग थोड़ा सा ट्राई करके देखो, खुद से वीडियो को पॉज कर दो एंड ट्राई योर सेल्फ, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल लॉलीपॉप है, बिल्कुल बेसिक्स है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, जेड टू द पावर 4 माइनस 1 हो गया, सो जेड टू द पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 1/i हो गया, और मैं ऊपर इंटू आई कर दू नीचे भी इंटू आई कर दू
तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर होता है माइनस वन, ये हो गया आई. सो जेड टू द पावर आई एम गेटिंग आई टू द पावर 1/4. ठीक है, ये मिल रहा है हमारे को. तो अब आई है हमारे पास, तो आई को मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं. मैं आई की जगह लिख सकता हूं कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू. ठीक है, हो गया. अब डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं. तो कॉस हो जाएगा 1/4, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, तो ये पाई बाई एट हो गया प्लस आई साइन पाई बाई एट हो गया. दिस इज जेड कॉम्प्लेक्स नंबर. इजी है, लॉलीपॉप. दिस बच्चे सॉल्व कर लो.